मेरा नाम जलील अहमद लल्ले है। मैं लल्ले शहर लल्ले, मेरे वालिद लल्ले किराना वाले थे। अच्छा। फिर मेरे वालिद के नाम से लल्ले मिल्क सेंटर मेरे चचा ने जारी किया, जो शहर मालेगांव की एक मशहूर फर्म है मिल्क सेंटर। अच्छा। लल्ले मिल्क सेंटर मेरे चचा चलाते हैं, उनके लड़के लोग। और मैं किताबों की सेलिंग साइकिल पर सिटी बुक डेपो, सना बुक डेपो और बहुत सारे दिल्ली के जो किताब मेले में आते थे, सस्ती और कम कीमत वाली किताबों को ख़रीद कर मैं साइकिल पे शहर भर में घूम फिर कर फरोख्त करता था। मालेगांव में, शहर मालेगांव में या भिवंडी में मेला हुआ, औरंगाबाद में मेला हुआ, मैं मुलाजमत के तौर पे जाता था। लेकिन मेला जारी होने से पहले शहर में गश्त लगाता था। अच्छा। मेले की जो टाइमिंग रहती है 10-11 बजे, तो उससे पहले 2 घंटा मैं शहर में घूमता था साइकिल पे। तो बहुत सारे उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले ख्वातीन हजरात मेरे से किताबें ख़रीदते थे। इस तरह मेरा धंधा किताबों की ख़रीदारी बिक्री का चलते चलते, और मैं एक और कोशिश किया कि बच्चों की दुनिया जो कौमी काउंसिल से शाये होती है, वो किताबों को मैं सेकंड कीमत में, हाफ कीमत में, यानी 2-3 महीना जो पुरानी हो जाती थी, दुकानदारों के पास बची रहती थी, वो किताबें खरीद कर मैं 2 रुपये की लेकर, 2.5 रुपये की लेकर 5 की बेचता था। अच्छा। तो इस तरह मैं किताबों का बहुत अच्छे ढंग से धंधा किया, और किताबों की ख़रीदारी करने वाले मुझे हौसला हिम्मत दिए, बच्चों की हर तरह की कहानी की दिलचस्पी। इस मेले में अपने तो मैं ये मकतबा महमूद अशरफ नाम से ये कौमी काउंसिल का ये मेरा दूसरा साबका है। शहर मालेगांव में भी मैं ये किताब की दुकान लिया था, और सिर्फ एक किताब की वजह से मैं दुकान लिया। कौन सी? मैं अपने बच्चों को पढ़ाकर ITI कोर्स करवाया। ITI कोर्स करने के बाद बच्चे की तालीम ऐसी अच्छी हुई कि उसकी नौकरी लग गई। ITI कोर्स में लेक्चरार है, एक्सटेचर है, तो उसने अपनी परेशानी को देखते हुए, समझते हुए वो एक किताब निकाला ITI कोर्स में कैरियर के मौके। वो किताब की बुनियाद पर मैं यहाँ पर बॉम्बे में भी हिम्मत किया। कौमी काउंसिल का किताब मेले का ये फीस जो थी सिर्फ 3,000 थी, लेकिन इस मरतबा कौमी काउंसिल वालों ने 2,000 बढ़ा दिया, 5,000। मैं हिम्मत करके बड़ा शहर जानकर ये बम्बई शहर कुर्ला में 26वां कौमी किताब मेले में अपनी दुकान लिया, मकतबा महमूद अशरफ नाम से। और वो एक किताब के साथ मैंने बच्चों की कम कीमत वाली किताबें, 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, 25 और 40 वाली, और कुछ शोरा हजरात जो 30% और 40% डिस्काउंट पर बेचने को कहा है, ऐसे लोगों की भी किताब मैं लिया। तो वो 30% और 40% वाली किताब यहाँ बम्बई जैसे इतने अच्छे शहर में, तो मैं आज ही जाकर 50% लगा दिया। अच्छा, आप साइकिल पे आवाज़ लगा के जो बेचते थे? हाँ, साइकिल पे आवाज़ लगा के मैं बेचता था, और आज भी मेरा वही तरीका है। यहाँ पे मुझे साइकिल मिली नहीं, आज बरजस्ता मैं आज 4थे दिन चिल्ला उड़ा। सब टीचर हजरात 10-15 लोग थे, चैनल वाला साथ में चल रहा, सिर्फ सैर तफरी करते जा रहे हो, तो मैं आवाज़ लगाया यूं ही कि आप किताबें खरीदोगे तो किताब मेले का मकसद हल होगा। गार्डन में घूमते हैं तो वहाँ तो खाना पीना करते हो, तो यहाँ के बाद में वो लोग आए खरीदने? नहीं आए, निकल गए, बाहर निकल गए, मेरी आवाज़ पीछे पीछे रह गई। आवाज़ कैसे लगाते हैं आप? मैं आवाज़ लगाता हूँ, उर्दू किताब मेले में आए हो तो किताबों की खरीदारी करो, जब किताब मेले का हक अदा होगा, चाहे 10 वाली किताब खरीदो या 300-400 वाली किताब खरीदो। किताब मेले का मकसद है उर्दू किताब को फरोग देने के लिए अपना जाती खर्च करो। बच्चे लोग तो 10 और 20 वाली खरीदते हैं, माशाल्लाह
कुरला कौमी काउंसिल किताब में ये 26वें किताब मेले में सिर्फ पहला दिन मेरा अच्छा गुजरा।